आदाब नाज़रीन, खबरनामों का शुमार है तुहस खदमत मज रियाज अहमद हाज़िर। खबरनामों तुम तो वातान मजन कर लजत मसाल पेश खबर तफसील सान। जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाबात मुनद सपदन कैन तारीखन हंदी ऐलान सती सपुज जम्मू कश्मीर मज सियासत तेज। यह दौरान सियासत दानों तरफ अख पार्टी त्रवित दोमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर सिलसिल तह तेज सपूद। आज सिलसिलस मत चौधरी जुल्फकारन पीडीपी जमात मज इस्तीफ़ा दित मरकजी वजीर अमित शाह ब्रोह कन भारतीय जनता पार्टी मज बाब्त शमूलियत अख्तियार करान कोर तत आए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी मज चौधरी ताज मोहिद्दीन सिंद तरफ इस्तीफ़ा दित घर वापसी अख्तियार करित कांग्रेस पार्टी दुबार अपनान ऐलान कर। अत सिलसिलस मज मुनद प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कोर चौधरी ताज मोहिद्दीन अमि कथि हूँ पान एतराब जि घर वापसी हूँ फैसला आव तिंद तरफ पन्न वर्करन सब्त सलाह मशवर कर पबिल आय ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी तरफ आय जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिंद रियासती सदर तारिक हमीद करह नामजद कर यम किन कांग्रेस पार्टी मज नो हलचल सपदन तुमकिन। आरजू भी है और दावत भी है कि आप वापस आइए, तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और जल्दी ही घर वापसी होगी। बाकी रहा इलेक्शन तो हो गया, ऐलान हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया है। सिर्फ ये है कि इस वक्त मुकाबला जो होगा वो डेवलपमेंट का और झूठे वादों का। मेरी आरज़ू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ सपुज श्रीनगर पार्टी हंदिस जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा सिंदिस सदारतस मज खानियार असम्बली हल्के कन वर्करन हिज मीटिंग हुन सज। यह दौरान जम्मू कश्मीर मज इन वाली असम्बली इंतखाबात नजर तल थवित वर्करन जोर दिनाव जि तिम गछन कम वक्त दौरान पार्टी जमीनी सुतरिस पेट मजीद मजबूत बनावने बापत अजकी पेटाई कामि पेट लगन। इस तकरीब दौरान आए खानियार असम्बली हल्के इंतखाबिक सियासी वर्कर लियाकत हमदानी मुख्तार अहमद तो गुरेजिक एडवोकेट जावेद अहमद सिंद तरफ पीडीपीएस मज बाब्त शमूलियत अख्तियार करान कर पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा तो पार्टी हिंदिस लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम सिंद तरफ तिहद इस्तबाल करना। अत मौक मीडिया सत कर गुलाम नबी लोन हांजुरान जि असम्बली इंतखाबन हंद बापत तारीखन हंद ऐलान पत सियासी प्रचार करने बापत वक वारिया कम थावना आमुत। लियाकत अली हुसैन साहब है, ये खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी से है। मुख्तार साहब है, हमारे शेख मुख्तार साहब, ये भी खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये हमारे यंग लीडर एडवोकेट जावेद साहब ये गुरेज से ताल्लुक रखते हैं, तो आज उन्होंने यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की और उसी सिलसिले में आज ये यहाँ पर हमने प्रोग्राम रखा था, छोटा सा प्रोग्राम रखा था। तो मैं दिल की अमी गहराइयों से इनका वेलकम करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आने की वजह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम तो पिछले छः साल से तैयारियां कर रहे थे लेकिन बदकिस्मती की वजह से छः साल इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, आज हुआ है, अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं रखा है इन्होंने लेकिन फिर भी पीपल्स डेमोक्रेट वादी हंदिस मौसमस मज आम तब्दीली दौरान यदवई पुलवाम के अछगोजा इलाकस मज मौजूद नालस मज वारिया रुदवन जमा सपदन की सलबी सूरत हाल हिश पैद सपज। तति शादी मर्ग तो अबहमा रोडस पे कायम कलवटस थोप लगने कि अमुक आब इलाक चन मुख्तलिफ अंदरूनी सड़कन सान केंसन रिहायशी मकानन मज दाखिल सपूदमुत यन सलबी सूरत हाल पैद सपदन कि लूकन तेरनस थोरनस मज वारिया परेशानी तो मुश्किल वतरन पे। अत सिलसिलस मज आई इंतजामिया तरफ बर वक्त कार्रवाई करित कलवटस मज जमा सपूदमुत छोट फूरी हटवित आब कड़न कार्रवाई तमल मज अन यमि पत अत रोजन वाले लूको तरफ कुन हदस तम राहत महसूस करना लूकन इल्जाम अत कलवटस बेहतर कदल तमीर कर बापत यदवे कहिया लट मुतल इंतजामिया सत रबत कायम कर इकदाम तुलन मांग करना तहम छ लूकन हंद मुताबिक इंतजामिया अत मामलस मज संजीद कदम तुलान यपर अत मामलस मज इंतजामिया तरफ लूकन नालस अंद पक छोट त्रावने निश परहेज कर बापत हिदायत जारी कर इंतजामियास अथवाज फराहम कर बापत जोर दिन आमुत। We
ये गार्डर से आता है, इसमें पानी की बहाव की वजह से आज तो बारिश हो गई, ऊपर ज़्यादा हो गई, यहाँ तो कम ही हुई है, मगर पानी की बहाव की वजह से जो यहाँ पर शादी मार्ग और अबामा रोड है, इसको यहाँ कलवट लगे हुए हैं, वो तो बंद हुए हैं। आज तक बारह बहुत दफ़ा मुतलका महकमा को इस्तदा की गई कि इसको पुल, इसका इस रोड पर पुल तामीर किया जाए ताकि किसी वक्त कोई हादसा ना होगा, क्योंकि पानी का बहाव कभी कभी होता है यहाँ पर। आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचगोस रोड है ये अचगोस के पास ये कलवट है, जिसमें कुछ हमने ऑलरेडी इसको प्रपोज किया है अंडर एआर प्रोग्राम, उसमें उसको हम रिनोवेट करके उसमें हम 48 इंचेस की पाइप डाल रहे हैं। लेकिन मेरी एक मोदबाना अपील भी रहेगी लोगों से कि जो वहाँ पे वो लकड़ी रखते हैं काट के अपर हिल से अप साइड ऑफ द कलवट में, वो कभी भी किसी भी हादसे का बाइस बन सकती है। गांधरबल के कंगन तहसील के हसन आबाद तो दोमें कैसन इलाकन मज रूद बारान जमा सपदन किन योदवे कहान रिहायशी मकानन सकूलन तो दुकानन मज यह आब जमा सपदन अलाव मुख्तलिफ सड़क त जेर आब सपदन किन लूक त परेशान सपद तत् आए एस डी एम सदिस कयातस मज अक खसूसी टीम हंद दस मुतासर इलाकन मज ग हालात साम हन यह दौरान तमो लूकन सत कत बात कर मुश्किल जान हासिल कर तिमन इमदाद आराम वातान बाप यकीन दुत यह कत बाबू लायक गांधरबल जिलस मज मौजूद मुख्तलिफ कोलन मज सैलबी सूरत हाल पैद सपदन पत सपुद अमुक आब मुख्तलिफ सड़कन गली कोचन रिहायशी मकानन तो दुकानन सान कैंसन सकूल इमारतन मज तखिल यम कि अति रोजन वाल लूकन फेरनस थोरनस मज मुश्किल बेतरन पे तो ये अत दौरान अत नुकसान सपदन तला तहम आब सतह कम सपदन पता लूकन मज कुछ हदस तम राहत तो आसाइश महसूस त नजर ग विजुअल्स में दिखाया होगा किस तरह का सैलाब आया। यहाँ पे जो गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है वो पूरी तरह सैलाब में डूब चुका है। बड़ी जो है मेहरबानी है अल्लाह ताला की कि सुबह के टाइम में ये सैलाब आया, अगर वर्किंग आवर्स में आया होता तो मुझे लगता है इन बच्चों को फिर रेस्क्यू करना पड़ता। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेन रीजंस को देखा जाए, इनक्रोचमेंट के साथ साथ मुतबादल रास्ते ऐसे तलाश करने हैं जिनसे ये सैलाब जो है हमेशा के लिए बंद हो। सूरत हाल आप खुद भी देख रहे हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है, ये खुशी का मुकाम भी है हमारे लिए क्योंकि हमने देखा कि इस साल जो है गर्मी की शिद्दत काफ़ी रही, खुशक साली का भी लोगों को डर था, तो शुक्र अल्लाह का कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन सुबह आप जब देखते हैं कि 6 बजे के आसपास काफ़ी शिद्दत में यहाँ पे बारिश हुई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर जो हमारा जंगल वाला एरिया है या पहाड़ी एरिया है वहाँ से जो है काफ़ी फ्लो में पानी आया, तो बहुत सी जगहों पे हमें यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई, कुछ सड़कें भी है जो इस जद में आ गई है। तो उसी टाइम हमने यहाँ पे अमला भेजा, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे आए, हमारे इरीगेशन फ्लड कंट्रोल से जो है एई साहब है या एक्शन साहब है तो या PMGSY के एक्शन साहब यहाँ खुद बैठे हैं, एई साहब खुद बैठे हैं जो मैन एंड मशीनरी को लेके यहाँ पे आए और उसको क्लियर करवाया। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन तरफ दिन आम पेंडाउन तो हड़ताली काले तहत आए आज जम्मू कश्मीर मज डॉक्टरों तरफ एहतजाज कर यह कत बाबू लायक मगरबी बंगाल मज हाल अकिस लेडी डॉक्टर सपजम असमत दरी तो कतल मामलस खिलाफ चु पूरे मुल्क सान जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों तरफ मुलवस नफरन सख्त सजा दिन बापत मुतालब कर तथा सिलसिलस मज आव श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों तो मेडिकल तलब इलमो तरफ एहतजाजी जुलूस कड़ित मामलस मज मुलवस नफरन खिलाफ कारवाई कर लवैकिन इंसाफ फराम कर मांग कर मुजाहरस में शामिल डॉक्टर अत मौक पे सख्त नारबाजी कर डॉक्टर हिफाजत यकीनी बनाने बापत इकदाम तुलन की मांग कर मीडिया सत कर वो रोत क्युत मर्द डॉक्टर सत सतून डॉक्टर हिफाजत त सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने बापत गाय जाए इकदाम तुलन इन युत नुबारा अमि कस्म कह मामल पेश खोतून डॉक्टर हिंदिस जुवस पे खतरा लाक सपद Indian Medical Association who have given call to respect and to demand justice of a girl who was raped on duty. So we have shut down all the OPDs and all the routine work has been suspended and we are with Indian Medical Association
for this, and we want justice for the resident doctor who was raped, who was on duty and was raped brutally. And we demand security of the doctors also, because we are the female doctors who roam around the hospital without any security in the hospital. So we need some security, we need some justice for that girl. And Central Protection Act. Central Protection also, we also need the Central Protection Act for the girls, because we work here, we are standing with the male doctors over here. So we need protection. We don't need these incidents to be happening. यपरि आई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी हिंदो डॉक्टरों तो काली पेठन काम छोड़ हड़ताल करित एहतजोजी धरने दिन यह दौरान मुजाहिरस में शामिल डॉक्टरों खोतून डॉक्टर हिज हिफाजत यकीनी बनाने बापत लाही अमल तरतीब दिन मांग करना आई यपर यह कत बावन लायक काम छोड़ हड़ताल दौरान आई एमरजेंसी सर्विस हस्पताल में मरीजन हिंद बापत यल थावने जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने पेन स्ट्राइक रखी हुई है ऑल ओवर द इंडिया तो 24 आवर जो है हमारी ओपीडी सर्विसेज जो है वो बंद हो जाएंगी लेकिन इमरजेंसी जो सर्विसेज है वो मतलब वो आनी है ये स्ट्राइक जो है ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो कलकत्ता में एक हमारी सीनियर डॉक्टर थी जो 36 आवर शिफ्ट पे थी जिनके साथ बहुत हीनियस क्राइम हुआ है गैंग रेप हुआ है और मर्डर हुआ है और ये सब हम उनके सपोर्ट के लिए सॉलिडेटरी के लिए है यहाँ पे तो मैं पूरी इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मतलब एवरीबडी एट जो इंडिविजुअल लेवल पे है कम से कम आवाज़ उठाए इस टाइम पे आवाज़ उठाए ताकि जो आगे नाजरीन खबरनामस मज रुको ये तजारती वक्फ़ मज वक्फ़ पत गए मुलाकात तो रिजू वो वॉइस टेलीविजन उर्दू और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय आप भी पीजिए जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी ड्रेन भराई हो तो परेशानी लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाए जो करे बाथरूम किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत श्योरेट ड्रेन क्लीनर श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला नाज़रीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम पेश है मजीद खबर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक़द सपदन के हवाले तारीखन हिंदी ऐलान पत सपुद जिले कुलगामिस में जिले इंतजामिया तरफ तैयारियन हिंज हतमी शक्ल दिन की गर्ज अफसर हिंज मीटिंग हूँ सज जिले तरकियती कमिश्नर अतर आमिर खान यम डिस्ट्रिक इलेक्शन अफसर ती आय तिंद सदारत में मुनक़द मीटिंग में तमाम नूडल अफसर हिदायत जारी करित इलेक्शन पूर अमन तो असन पड़ मुनक़द सपदन जरूरत वतलावने ये जन अत मौक पे जिलस में सिक्योरिटी अमल तैनती उम्मीदवार हिंद नाव दाखिल कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतजामिया अलाव दोमें इंतजाम हिंज त साम हन आई अत मौक पे ए डी सी तो एस डी एम नूर आबाद सान दोम जिल इंतजामिया मौजूद कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जनरल इलेक्शन असम्बली के हैं वो अनाउंस किए हैं और हमारे कुलगाम ज़िले में फर्स्ट फेज़ में ही इलेक्शंस हैं इसी की जो पूरी तैयारियां हैं वो सब हो रही हैं आज हमारे जितने भी नोडल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स हैं हमारे असेंबली लेवल नोडल ऑफिसर्स हैं आरओज़ एआरओज़ इन सब की ट्रेनिंग सुबह से ही चल रही थी और इसके बाद मैंने भी पूरा रिव्यू भी लिया है तो ताकि जितना भी जो भी पूरी इलेक्शन की प्रोसेस है चाहे नॉमिनेशन की प्रोसेस है स्क्रूटनी की प्रोसेस है सिंबल अलॉटमेंट की प्रोसेस है पोस्टल बैलेट की प्रोसेस है फिर जो हमें इलेक्शन का अमला है उसकी ट्रेनिंग का काम है हमारे पोलिंग बूथ्स में सभी फैसिलिटीज़ का काम है
हमारे जो ईवीएम्स की प्रिपरेशन का काम है, तो वो डिटेल एलाबोरेट इसमें सभी चीज़ों पे एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग आज कराई गई है। तो इसके साथ साथ में, क्योंकि जब से इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करता है इलेक्शन, तो इमीडिएटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज हमें विद इन 48 आवर्स इंश्योर करनी होती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पैसे, जितने भी कोई पॉलिटिकल या जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड कुछ पोस्टर्स बैनर्स होते हैं, उनको रिमूव करना होता है। दैट ऑल इज बीइंग डन, उसका भी रिव्यू किया जा रहा है। ज़िले बंडपूरिस मज यी असम्बली इंतखाबस दौरान कुल 2,58,712 वोटरन हंदि बापत 312 पोलिंग स्टेशन कायम करने इमन कथन जानकारी दिज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर तो ज़िले तरकती कमिश्नर मंजूर अहमद कादरियन मुनद मीटिंग सदारत अंजाम दिनस दौरान फराहम करने। मीटिंग दौरान तफसीलात फराहम करित वोन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरन ज़िले चंद त्रेन असम्बली हलकन मज यन बंडपूर हल्क बापत 134 पोलिंग मरकज कायम करने, ये जन 117 सोनावारी तो 31 पोलिंग मरकज गुरेज असम्बली हल्क बापत कायम सपदन। को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन की नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए इजरा की गई और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट को तीसरे फेज में शामिल किया गया है, यानी जम्मू कश्मीर में तीन फेजेस में ये असम्बली इलेक्शन का इनेकाद होगा। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी तीन असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 14 सोनावारी और 16 गुरेज, तो इसमें हमारा जो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर है। फिर हमारा जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस हैं वो 12 सितंबर 2024 है। 13 सितंबर 2024 को इन फॉर्म्स की जो भी नॉमिनेशंस आएंगी उनकी स्क्रूटनी होगी और 17 सितंबर 2024 जो लास्ट डेट ऑफ विड्रावल ऑफ नॉमिनेशंस है। डेट ऑफ पोल हमारा 1 अक्टूबर है और जो डेट ऑफ काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर है। तो तीन जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये चूंकि मुख्तलिफ जोग्राफिकल पोजिशंस में हैं, इसलिए जो अलग अलग इकदाम लिए गए हैं इस पोल को कंडक्ट करने में, इसको मॉनिटर करने में। तो इसमें जो हमारे पास पोलिंग स्टेशंस हैं वो 312 है और जो लोकेशंस हैं वो 220 हैं। सोनावारी में हमारे 137 पोलिंग स्टेशंस हैं, बांडीपोरा में 144 हैं और गुरेज में 31 हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हिंद तरफ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिंद रियासती सदर सीनियर लीडर तारिक हमीद करा बनावनस पेट सपूत पार्टी हिंदिस श्रीनगर सदर दफ्तर पेट जश्न एहतमाम यथ मज मुख्तलिफ पार्टी लीडरन सान वर्करो तरफ शिरकत करित तारिक हमीद करहस मुबारक करनाव अत मौकस पेट तकरीर करित आई तारिक हमीद करा पार्टी हिंद रियासती सदर बनावनस खैर मकदम करित तुलना आमुद फैसला पार्टी हिंदिस हकस मज करार दिन अत सिलसिलस मज वोन कांग्रेस लीडर चिन्नी सिंगन कत करित जि तारिक हमीद करा चि सियासतस मज वारिया ज्यादा महारत थवान तो लिहाजा कांग्रेस आला ओहदेदारो तरफ निन आमुद फैसला चु जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी हिंद बापत वारिया बेहतर फैसला। इसका जो हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना, कांग्रेस हेडक्वार्टर पे जितने भी ये पटाखे लोगों ने चलाए कि कांग्रेस हाई कमांड ने जम्मू कश्मीर रियासत की एक लीडरशिप जो है उसको चेंज करके एक अच्छे अनुभव नेता को जिसका नाम तारिक हमीद कर्रा है, वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनका अनुभव जो रहा है सरकार चलाने में, और वो पार्लियामेंट मेंबर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, कैबिनेट में रहे, और उनका जो अनुभव है उनको कांग्रेस पार्टी को देके एक अच्छी लीड जो है वो उन्होंने दी। हम सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं दिल्ली की कांग्रेस लीडरशिप को, जिन्होंने हमें एक अनुभव नेता दिया, जिसको जिसकी बागडोर उनके हाथ में दी गई, और आने वाले इलेक्शंस में हम उनको वो लीड करेंगे इस पार्टी को। उनके हमरा गुलाम अहमद मीर हमारे जो जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में हैं, ताराचंद जी एक्स डिप्टी चीफ। नाजीन खबरनामुक सिलसिलो जारी, ये दिमो ब्या तजारती वक्फ तुशि सपदी बे मुलाकात, तो रिजू वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। वन बाय हैंड मेक्स अतफर चिली मोस्ट रिफाइंड टर्मरिक इज हैंड पैक्ड, एवरी अरोमा ऑफ फेनल इज प्रिजर्व्ड।
The intense sorting and cleaning makes the Adhwar spices the best. Adhwar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Adhwar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरिट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाए जो करे बाथरूम किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरिट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाजरीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम पेश है मजीद खबर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तरफ जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाबात मुनद करने बापत तारीखन हिंद ऐलान खैर मकदम ऑल इंडिया महिला कांग्रेस सदर अलका लांबाहन जम्मू कश्मीर मज कांग्रेस पार्टी सरकार बारसस इन उम्मीद बम श्रीनगर मुनद अकिस तकरीबी में शिरकत कर पे मीडिया सत कर तमो कांग्रेस पार्टी तरफ आई असेंबली इंतखाबात नजर तल थवित अजकी पेटे अवमी रबत मुहिम शुरुआत करित कांग्रेस पार्टी जमीनी सुथरिस पे मजबूत बना बापत वर्कर पे जोर दिन तहम से तमो उम्मीद बम अवमी मुश्किल दूर करने बापत यह लुको तरफ कांग्रेस पार्टी हिंदिस हकस मज फल बोजन तिज सरकार बारसस अन बापत वोटक इस्तेमाल कर बदल जो हुए हैं जो रद्द बदल हुए हैं कैसे देखते हैं? देखिए शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर के नेताओं से चर्चा की बात की सहमति बनी और उस सहमति के बाद ये बड़े बदलाव हुए हैं जो सबको स्वीकार है और अब हम चुनाव की तरफ पूरी मजबूती से एक मजबूत संगठन के साथ एक मजबूत नेतृत्व के साथ अभी जल्द आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी कश्मीर की धरती पर लोगों के बीच जम्मू में आपको दिखने मैम पीपल अलायंस क्या होगा जो इंडिया चर्चा लगातार चल रही है और मुझे लगता है शीर्ष नाजरीन अस वो खबरनाम यह शुमार अंद खबरनाम तह तमाम वातनस मजी तान कर लज्जत मसाल नाजरीन खबरनामस मज सपद साढ़े अठ तो सी मुलाकात तुम रूजू वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू साढ़े सत सपद वन पेश मुद्दा पेश कर सनम एजाज मे दू साढ़ अठन तमाम इजाजत खुदा सवाल।